हाँ जी चावल का मतलब है चावल का, सांवल कहते हैं काले को, सांवला, और शाह माने राजा, सांवल शाह माने जो भी काली दुनिया है उस सारी काली दुनिया का राजा, जिसको कहते हैं महाकाल। और सात नारायण कुमार का आठवां नारायण किस्म जी है ना, तो वही माता जी कह रही है कि सातवां नारायण को पटक के आठवां नारायण किस्म जी है। सात बच्चे तो दिखाए गए हैं तुम्हारे, तो पटक है तब टूट गए। पटकता तो है, बचाने वाला तो द्रौपदी को बचाता है, लेकिन उसने कोई कसर छोड़ी क्या? जैसे सात को मार दिया, पटक दिया, ऐसे उस कुंवारी कन्या को पटकने में वो कोई कंजूसी करता है क्या? नहीं करता है। भगवान तो द्रौपदियों की लाज रखता है। और है सबकी पढ़ाई चल रही है, 70-71 साल हो गए हैं, प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, कोई पावन बना दिखाई पड़ रहा है कोई? इस पतित दुनिया में सब पतित हैं या कोई पावन दिखाई पड़ रहा है? बाबा वो आत्मा तो शरीर छोड़ चुकी, तो आत्मा तो है कि नहीं है? बहुत सी आत्माएं हैं जो अकाले मौत में शरीर छोड़ चुकी है, वो मौजूद है इस दुनिया में या नहीं है? हैं? मौजूद है, और मौजूद होने के साथ साथ वो आत्माएं तुम ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान भी ले रही है, नहीं तो उन आत्माओं का उद्धार कहाँ से होगा? हाँ जी बोलो। देव और लक्ष्मी जो है वो तो आगे है कि पीछे? कृष्ण वाली आत्मा सतयुग में जन्म लेगी, और वो आत्मा वर्तमान जन्म में सहयोगी है सूक्ष्म शरीर से, इंस्पिरेटिंग पार्टी है, उनका अपना शरीर नहीं है। तो जिनका शरीर है उन शरीरधारियों के ऊपर पाप पुण्य जाता है, या जिनका शरीर ही नहीं है उनका पाप पुण्य जाता है? इसलिए जो रुद्रमाला के मणके हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, साकार में पार्ट बजाए रहे हैं, सुख दुख कौन सहन करता है? शरीरधारी आत्माएं, तो जो सहन करते हैं वो ही प्राप्ति करते हैं। शिव प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में या टेम्परेरी रथ में? जो ग्लानी होती है शिव के प्रवेश करने से, वो ग्लानी का दुख शरीरधारी भोगता है या शिव भोगता है? शरीरधारी भोगता है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीरधारी जो भी आत्माएं हैं, जो भी शरीरों में प्रवेश करके पाप पुण्य कराती हैं, उसका लेप छेप देहधारियों को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए राम वाली आत्मा हो या सीता वाली आत्मा हो, जगदम्बा वाली आत्मा हो, लक्ष्मी वाली आत्मा हो, या रुद्रमाला के कोई भी मणके हो, जिनमें बोला कि बाप दादा प्रवेश करके कार्य करते हैं, वो आत्माएं 4.5 लाख
जो शरीरधारी हैं वो ऊंच पद वाली हैं, रचयिता का पाठ बजाने वाली हैं, या जो जन्म लेने वाली हैं वो रचयिता का पाठ बजाने वाली है? हाँ जी, तो जो रचयिता है वो सदैव ऊंचा है, जो रचना है वो नीचा पाठ बजाती है। है है है? क्योंकि सारे वृक्ष को पैदा करता है, सारे वृक्ष को ताकत देता है। जो बीज में गुण होते हैं, अगर बीज कड़वा होगा तो सारा वृक्ष कड़वा होगा, इसलिए बाप कहा जाता है। बाप के संस्कार सारे परिवार में जाते हैं। और यह त्रिमूर्ति, यह त्रिमूर्ति जो दिखाया है उसमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु और शिव, न कि शंकर। परंतु बाजू में शिव को कैसे रखे है? तो फिर शंकर को रख दिया है। माने रखा ही नहीं जा सकता शिव माने बिंदु, दो तो मूर्तियां हैं और एक को बिंदु रख दें अमूर्त तो सोवेगा? कोई कहेगा त्रिमूर्ति है? नहीं कहेगा, शोभा ही नहीं होती। इसलिए शोभा करने के लिए मूर्ति चाहिए। कैसी मूर्ति चाहिए? जो साकारी मूर्ति होते हुए भी, मूर्त रूप होते हुए भी शिव की तरह निराकारी स्टेज वाली हो। और बाबा शंकराचार्य ने कहा शिव, ब्रह्मा की आत्मा ने कहा गीतापति भगवान, उनके बुद्धि में आया कि मैं शंकराचार्य ने कहा शिव हम, और ब्रह्मा की आत्मा ने वही समझा कि गीता का भगवान मैं हूँ, गीता का साकार भगवान मैं ही हूँ। हाँ, ये भी हट योगी, शंकराचार्य की आत्मा भी हट योगी, ब्रह्मा की आत्मा भी हट होगी, दोनों आत्मा एक ही है क्या? रावण कौन? तो मुरली में जवाब दिया, जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। अच्छा, बाहर की दुनिया के गुरु लोग वो तो चलो मान लिया, ब्राह्मणों की दुनिया में गुरु कौन हुआ जो बिना किसी प्रूफ प्रमाण के भी अपने को कृष्ण मानता रहा, अपने अंदर शिव की प्रवेशता मानता रहा, अपने को ब्रह्मा कहता रहा, ब्रह्मास्मि शिवो हम, गीता का भगवान मैं मानता रहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरु नहीं हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो रावण के जो सिर हैं वो गुरुओं के सिर हैं या नहीं है? हैं? दुनिया के 10 धर्म हैं, 10 धर्मों के 10 गुरु दिखाए गए या नहीं दिखाए गए? उन 10 गुरुओं रूपी जो सिर है रावण के, उनके ऊपर एक सिर और रखा हुआ है, वो कौन है? गधा को अकल होती है? होती है? नहीं होती है। सारा ज्ञान शिव ने उस मुख से ही सुनाया है जिसको कहते हैं वेदवाणी। वेद माने ज्ञान, वेद माने जानना, ज्ञान। और सबसे पहले उसके कानों ने ही सुना। सुना कि नहीं सुना? किसी दूसरे ने सुना? उसी ने ही सुना। कौन सा प्राणी होता है, जानवर, जिसमें बुद्धि तो नहीं होती लेकिन कान खड़े हुए दिखाए जाते हैं? है? गधा के कान खड़े हुए दिखाए जाते हैं। शिव धोबी है, कपड़े धोने वाला है, वो अपने कपड़े धोने के लिए
घाट पर जब ले जाता है कपड़ों को तो किसकी पीठ पर लादता है? ब्राह्मणों की दुनिया में उन कपड़ों की परवरिश किसने अपनी पीठ पर लाद कर जिंदगी भर की? इसलिए दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? वो ही दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु हो गया, देहधारी गुरु, सदगुरु नहीं, देहधारी गुरु। देह में बुद्धि धरी रही लेकिन जो वेदवाणी निकली उस वेदवाणी में बुद्धि का मनन चिंतन मंथन नहीं चला, उसको गीता का भगवान संसार ने बता दिया। वो स्वयं भी अपने को गीता का भगवान मानता, तो बड़ा जुल्म हो गया ना कि बच्चा ही गीता माता का गीता पति भगवान बन करके बैठ गया। इसलिए आज खास भारतवर्ष में और दुनिया में भी ये चलन देखी जाती है कि परिवार में खुदा न खास्ता अगर बाप चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो माँ के ऊपर कंट्रोलर कौन बन करके बैठ जाता है? हाँ? बच्चा कंट्रोलर बन के बैठ जाता है। कितना कंट्रोलर बनता है? बाप की तरह मालिकाना दिखाता है या कुछ कम दिखाता है? बाप की तरह मालिक बन करके बैठ जाता है, सारी सत्ता परिवार की अपनी मुट्ठी में लेकर बैठता है। इसलिए कहते भी हैं बड़ा बच्चा बाप समान। और बाबा दो मूर्ति द्वारा तो मुरली चला, लेकिन तीसरा मूर्ति प्रत्यक्ष होंगे तो भी मुरली चलेगा। 70 साल 71 साल हो गए गाल बजाते बजाते, और उससे पहले भी द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक 2500 साल गुरुओं ने गाल बजाई, राजनेताओं ने गाल बजाई, और आज भी बड़ी बड़ी मजलिस और पब्लिक बना करके बैठते हैं और गाल बजाते हैं। तुलसीदास ने भी लिख दिया, पंडित सोई जोई गाल बजावा। गाल बजाने से परिवर्तन हो जाता है क्या? हो जाता है? नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा द्वारा वाणी चलाने से भी कोई फायदा नहीं, शंकर द्वारा भी वाणी जो चलाई जाती है वो ब्रह्मा की सोल चलाती है। किताब स्टूडेंट पढ़ता है या टीचर पढ़ता है? स्टूडेंट किताब पढ़ता है, टीचर है शिव बाबा, वो उस किताब की बातों का क्लैरिफिकेशन देता है। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। मुरली में क्या बोला? गाल बजाता है? नहीं, शंकर तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। इसलिए शंकर नाम नहीं लेना चाहिए। वाणी अभी भी किसके द्वारा चलती है? ब्रह्मा द्वारा। हाँ, कह सकते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। बस तो दो मूर्तियों के द्वारा कह सकते हैं कि वाचा का कार्य चलता है। शंकर को तो फिर भी तीसरा नेत्र दिखाते हैं, मजमे में बैठ करके वाचा चलाते हुए नहीं दिखाते हैं।
रूहानी बच्चे रूहानी बातों को समझेंगे, जो देह अभिमानी है वो देह को देखेंगे या रूह की एक्टिविटी को देखेंगे? रूहानी बच्चे रूह की एक्टिविटी को देखेंगे। तो यहाँ तो त्रिमूर्ति शिव है, तो कह सकते हैं कि वाचा से संसार में भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता, और वाचा से नई दुनिया भी प्रत्यक्ष नहीं होगी। प्रैक्टिकल एक्ट जो करेगा, प्रैक्टिकल से परिवर्तन होगा या वाचा से परिवर्तन होगा? प्रैक्टिकल ज्ञान की धारणा होनी चाहिए जीवन में। इसलिए तीन मूर्तियों के तीन पार्ट दिखाए गए हैं। एडवांस पार्टी में तीन ग्रुप दिखाए गए हैं। ब्रह्मा है इंस्पिरेटिंग पार्टी, शंकर है प्लानिंग पार्टी, नई दुनिया की रचना कैसे होनी है, नई दुनिया का सचरूपी मकान कैसे बनेगा, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या नक्शा है, वो सारी प्लानिंग है एडवांस पार्टी की। और तीसरी पार्टी है प्रैक्टिकल पार्टी। मकान न मकान का मालिक बनाता है, न प्लानिंग करने वाला इंजीनियर बनाता है, मकान कौन बनाता है? मजदूर बनाते हैं, कारीगर बनाते हैं, जिनको सबसे कम तनख्वाह मिलती है और सबके कंट्रोल में रह करके काम करते हैं। वो प्रैक्टिकल पार्टी, उसका मुखिया है विष्णु। प्रैक्टिकल वही कर सकता है जिसके प्रैक्टिकल जीवन में प्योरिटी ज्यादा भरी हुई हो। प्योरिटी की पावर से शहद की मक्खियां महल बनाती हैं, और ऐसा वंडरफुल महल बनता है जिसमें सारी दुनिया बड़े सुख से निवास करती है। मीठी दुनिया होती है या कोई के अंदर भी कड़वाहट भरी हुई होती है? मीठी दुनिया होती है। तो विष्णु के द्वारा वाचा चलाने की काम जरूरी है या प्रैक्टिकल कर्म होने का काम जरूरी है? प्रैक्टिकल कर्म होते हैं। और बाबा संगम युग में बोलते हैं कि शंकर पार्वती है। बोलो बोलो। शंकर पार्वती है ना, राम वाली आत्मा राम है, राम वाली आत्मा शंकर है, राम वाली आत्मा जाके बनती है नारायण। तो नारायण के साथ लक्ष्मी जो आती है, तो फिर पार्वती वाली आत्मा। तुम सब पार्वतियाँ हो। एक बात सुनो, तुम सब पार्वतियाँ हो। कि किसी के लिए बोला कि पार्वती नहीं हो है? सब पार्वतियाँ हो। परसेंटेज में कुछ न कुछ वातावरण बनाने वाले हो तब नई दुनिया बनती है या अपने आप बन जाती है? है कुछ न कुछ परसेंटेज में वातावरण बनाने वाले हो प्रैक्टिकल में, इसलिए तुम सब पार्वतियाँ। कोई 100% पार्वती है,
एक लक्ष्मी वाली आत्मा होती है। तो जो सर्वे 100% पार्वती है वो शंकर की दूसरी पत्नी है या पहली पत्नी है? 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 क्या बात हो गई? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जो 100% पार लगाने वाली है उसका नाम पार्वती पड़ती है, पड़ता है, वो शंकर की पहली पत्नी गाई जाती है या दूसरी पत्नी? ना दूसरी, दूसरी है ना। है दूसरी। हाँ, पहली पत्नी सती, सती हाँ, लक्ष्मी वाली आत्मा। हाँ जी, और दूसरी पत्नी पार्वती। पार्वती को दिखाते हैं जगदम्बे। तो तुम सब पार्वतियां हो, जगदम्बा हो, वो जगत पिता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। कौन हुआ जगतम पितरम? जगत पिता कौन हुआ? शंकर। तो जो सतीत्व धारण करने वाली आत्मा है, परम पवित्र आत्मा है, जन्म जन्मांतर का पवित्रता का पाठ बजाने वाली आत्मा है, जिसके जीवन का विरुद्ध है वरों संभो नतु रहो कुंवारी, एक का वर्ण करती है 84 जन्मों में पति के रूप में, अनेकों का मुंह तो नहीं पीती, ये जीवन का लक्ष्य है। तो सतीत्व की ताकत से वो सतयुग रूपी दुनिया की स्थापना करने की निमित्त बन जाती है। और पार्वती भी उसी का रूप है, लेकिन बाद वाला रूप है। आदि सो अंत के हिसाब से अंत में दोनों ही मिलकर के एक हो जाते हैं, तब महालक्ष्मी कहा जाता है। महालक्ष्मी में जगदम्बा भी है और जगत मां क्या नाम लक्ष्मी भी है। और बाबा पूरी नहीं हुई बात। हाँ, फिर स्कूल में राम वाली आत्मा बार बार जन्म में आते हैं, दो पत्नियां साथ साथ आती है कि एक दो जन्म कुंवारी रह जाती है लक्ष्मी वाली आत्मा। तुम बच्चे राजयोग सीखते हो ना, तो जो राजयोग सीखने वाले हैं वो राजा बनते हैं या नहीं? बनते हैं। सतयुग त्रेता में ही राजा बनते हैं या द्वापर कलयुग में भी राजा बनते हैं? दूसरी पत्नी साथ में आते हैं। पहले जो बात पूछी जा रही उसका जवाब तो दो। द्वापर कलयुग में भी राजा बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो जो द्वापर कलयुग के राजाएं हैं वो एक पत्नी व्रतधारी पुरुषोत्तम होते हैं या नहीं होते हैं? है? द्वापर कलयुग में, द्वापर कलयुग में जो होते हैं वो तो विदेशियों से प्रभावित हो जाते हैं ना, तो इसलिए वहाँ एक पत्नी व्रत की बात खत्म हो जाती है। राजाओं को ढेर ढेर पत्नियां हुई हैं। हाँ जी, और राजा जन्म देने वाले भी देवता नहीं बने? अरे दो दो माताएं इकट्ठी बोल रही। हाँ बाबा बोले, अभी मुरली में चौरासी जन्म लेने वाला देवता नहीं बनेगा। देवता नहीं बनेगा? चौरासी जन्म नहीं लेने वाले देवता नहीं बनेगा। हाँ, देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते, मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवताएं। हाँ, जो नदी है वो नदी का उदाहरण जड़ नदी के लिए दिया गया है या चैतन्य नदी के लिए दिया गया है?
ह्यूमन नदियों के लिए दिया गया है। चैतन्य ह्यूमन नदियों के लिए नदी कहा है। उन नदियों में कोई बड़ी नदी, कोई छोटी नदी, कोई में ज्यादा पानी, कोई में कम ज्ञान जल, कोई में स्वच्छ जल, कोई में अस्वच्छ गंदा जल भरा रहता है, जैसे यमुना। कोई नदी पहाड़ों पहाड़ों पर ही बहती है, ऊंची स्टेज में, लास्ट में आकर के नीचे गिरती है सागर में। कोई नदी ऊंची स्टेज से उतरती है और मैदान में आकर के कचरा उठा लेती है। कोई नदी दक्षिण भारत की नदी है, कोई उत्तर भारत की नदी है, कोई विदेशों की नदियां हैं, कोई स्वदेश की नदियां हैं। कहाँ स्नान करते हैं लोग, स्वदेश की नदियों में या विदेश की नदियों में? क्यों? हाँ, क्योंकि जो भारत की नदियां गाई हुई हैं, वो कोई जड़ नदियों की बात नहीं है, भारत की पवित्र रहने वाली कन्याओं माताओं की बात है। कि जब भगवान बाप आया तो उन्होंने अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बनाया और उनका ज्ञान जल भी कैसा बन गया? पवित्र बन गया। इसलिए गंगा का गायन सबसे जाती है, ब्रह्मपुत्र का भी गायन है। ब्रह्मपुत्र नदी ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर ही बहती है, लास्ट में आकर के फिर गंगा में मिल जाती है। तुम्हारा प्रश्न क्या है? देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते। हाँ, तो भारतवर्ष में जो जो आत्माएं देवताई स्टेज को धारण करती जाती हैं पुरुषार्थ करके, अपने 63 जन्म के पापों को भस्म कर लेती हैं, उनको साथ देने वाली गौएं कहो, नदियां कहो, वो मीठी नदियां मिलेंगी या कड़वी जवान वाली मिलेंगी? मीठी नदियां मिलेंगी, उन्हीं के किनारे स्वर्ग स्थापन होता है। ऐसे नहीं कि महाकाली के किनारे स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, वो तो असुरों का संहार करने के लिए ऐसा पाठ बजाती है। और बाबा, जब हम पढ़ाई करते हैं, हाथ उठा, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, चित्त किसे कहा जाता है? चित्त माने क्या है? अरे चित्त का माने नहीं मालूम, इसीलिए पूछ रहे। चित्त माने मन, मन को चुराने वाला, मन चंचल है या एकाग्र है? चंचल है। तो इसे चंचल मन को एकाग्र करने वाला कौन है संसार में? है, चंचल मन को एकाग्र करने वाला संसार में कौन है? कृष्ण का नाम दे दिया है। कृष्ण के ऊपर सारी उपाधियां दे दी हैं, महाभारत युद्ध कराया, विनाश कराया, मक्खन चुराया, ये किया, वो किया, कंस को मारा। वास्तव में ये भगवान की कथा है, ये कृष्ण की कथा है, भगवान की बात है। तो भगवान के नाम की जगह कृष्ण का नाम अड़ाए दिया है। मन को चुराने वाला, मन को एकाग्र करने वाला कृष्ण नहीं है, कौन है?
शिव है। और ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा देव शंकर के अनुसुईया माता को हाँ तीनों के सामने अनुसुईया माता को करने वाला पालन करने वाली ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे त्रिदेव को जो ऊंचे से ऊंचे देवता माने जाते हैं उनको भी बच्चा बना दिया अनुसुईया माता ने। हाँ तो आप प्रश्न क्या है कौन? माता कौन? हाँ वो माता कौन है? दो मालाएं हैं, एक माला है रुद्रमाला और एक माला है विजय माला। दोनों मालाओं में ज्यादा प्योरिटी कौन सी माला में है? विजय माला में। वो विजय माला की आत्माएं इसे बंद कर दो। वो विजय माला की आत्माएं इस समय संपूर्ण पवित्र कहें या अपवित्र कहें वर्तमान समय है? अगर अभी संपूर्ण पवित्र कहें तो इसका मतलब उनको ज्ञान लेने की दरकार है ही नहीं। और कहते हैं बिना भगवान के ज्ञान के किसी की गति नहीं हो सकती, तो उन आत्माओं को भी एडवांस ज्ञान जरूर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो पवित्रता का निर्वहन वो कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालयों में, वो पवित्रता सन्यासियों की पवित्रता है या प्रवृत्ति मार्ग वाले देवताओं की पवित्रता है? है सन्यासियों की पवित्रता है। जब एडवांस ज्ञान ले लेवे तो उनके जो समान पुरुषार्थी हों उनके साथ रह करके जो पवित्र जीवन बिताएंगे, पवित्र युगल मन के संसार में प्रत्यक्ष होंगे, उनके सामने दुनिया झुकेगी और उनमें असली पवित्रता आ जाएगी। तो विजय माला भी अभी है और रुद्रमाला भी अभी है। दोनों का लक्ष्य आत्मा को पवित्र बनाना है। लेकिन दोनों ही मालाओं में बीज ज्यादा पवित्र होता है, बीज ज्यादा पावरफुल होता है या आधार ज्यादा पावरफुल होता है? जो बीज हैं वो राजाएं बनेंगे, जो आधार हैं वो रानियां बनेंगी। कितनी भी जन्म जन्मांतर की पवित्रता की पावर है तो भी उनको आधार लेना पड़ेगा बीज का। ये अंधे और लंगड़े की कहानी है। तो विजय माला का जो अव्वल नंबर का मणका है वो प्योरिटी में भी अव्वल नंबर होगा या नहीं होगा? है होगा। वो चंद्रवंश में है या सूर्यवंश में है? चंद्रवंश में। दुनिया के जितने भी वंश हैं
उनमें चंद्रवंश और सूर्यवंशी ही सबसे ऊंचा है। चंद्रवंश की वो आत्माएं जो प्योरिटी में जन्म जन्मांतर की तीव्रता धारण करती है, अपने अपने गुण तो हर वंश में कोई न कोई होते ही है, तो जो भी दूसरे दूसरे वंश हैं, उन सबके बीज कहाँ हैं? एडवांस में, रुद्रमाला में। और चंद्रवंश में भी जितने मणके हैं, उन सब मणकों के बीज कहाँ हैं? एडवांस में। और विजयमाला कहो, चंद्रमा चंद्रवंशी कहो, उन चंद्रवंशियों या विजयमाला वालों का जो हेड है, मुखिया, उसका भी कोई बीज होगा या नहीं होगा? है वो कौन होगा? है वो तो चंद्रमा है। ब्रह्मा क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा से सारे ही पैदा हुए चंद्रवंशी। उन चंद्रवंशियों में सबसे ज्यादा प्योरिटी को वहन करने वाली आत्मा हुई नहीं, वैष्णवी देवी लक्ष्मी। वो लक्ष्मी जो है वो प्योरिटी में सबसे आगे है विजयमाला में। और बीच में नहीं बोलो। और रुद्रमाला में विजयमाला की जो हेड है वो लेफ्टिस्ट होगी विजयमाला में या राइटियस? अरे माला में ये रूप होता है ना, तो ऊपर के जो दो मणके होंगे उनमें एक राइटियस और एक लेफ्टिस्ट, एक आदि और एक अंत। जैसे रुद्रमाला में एक आदि आदि पिता और एक आदि माता, तो एक आदि हुआ एक अंत हुआ, एक जगत पिता और एक जगदम्बा। आदि अंत तो है, सबसे अंत का मणका भी है, लेकिन भगवान के सबसे नजदीक है उतना ही नजदीक है जितना पहला मणका है, हैं? या कम नजदीक है? उतना ही नजदीक है, पहला मणका भी उतने नजदीक और आखिर मणका भी उतने ही नजदीक है भगवान के, जो फूल के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे ही विजयमाला में जो वैष्णवी शक्ति है, वो वैष्णवी शक्ति सबसे नजदीक है ऊपर में और प्योरिटी में सबसे आगे है। जगदम्बा को प्योरिटी में आगे कहेंगे उसके मुकाबले या पीछे कहेंगे? पीछे हो गई। तो जो विजयमाला में अव्वल नंबर है, उस विजयमाला की बीज कौन है? एडवांस में ना। जगदम्बा कैसे बीज हो गई? उसमें प्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं? बीज तो बाप होता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है,
ब्रह्मा बाबा तो मालाओं में है ही नहीं, वो साकार शरीर ही नहीं है उसको। प्रजापिता वाली आत्मा, प्रजापिता वाली जो आत्मा है उसमें तो शिव प्रवेश है, और जो प्रजापिता वाली आत्मा है वो अभी मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाने वाली है, या जो वैष्णवी वाली आत्मा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाने वाली है? है वैष्णवी मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाने वाली है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो त्रेता में गायन है वो वैष्णवी वाली आत्मा ही त्रेता के पहले जन्म में राम बनेगी। राम वाली आत्मा जो वास्तव में अभी है वो घाट घाट का पानी पीने वाली है या पवित्रता में मर्यादा पुरुषोत्तम है शरीर के द्वारा है? तो घाट घाट के पानी पीने वाली हो गई, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहेंगे? इसका मतलब विजयमाला की जो हेड है पवित्रता में सबसे ऊंची, लेकिन माला तो सेकंड क्लास है कि अव्वल नंबर है? माला तो रानियों की है कि शिव बाबा के बनाए हुए राजाओं की है? हैं? रानियों की माला। बाबा राजा बनाने आया है या रानी बनाने आया है? बाबा अधीन बनाने आया है या अधिकारी बनाने आया है? अधिकारी बनाने आया है। तो शिव बाबा जो अधिकारी बनाने की माला रुद्रमाला बनाता है, उस रुद्रमाला में प्योरिटी में अव्वल नंबर मन का कौन है? अरे पतित तो है, लंगड़े तो है, लेकिन कोई कम लंगड़ा होता है, कोई ज्यादा लंगड़ा होता है? सरकार में जाकर के सर्टिफिकेट बनवाने जाओ, कोई लंगड़े को 80% देंगे, कोई लंगड़े को कहेंगे 10% लंगड़ा है बाकी सब ठीक है, इसको फ्री टिकट नहीं देंगे, ऐसा होता कि नहीं? तो रुद्रमाला के मणकों में पवित्रता में वैष्णवी का भी तीज कौन है, कोई होगा या नहीं होगा? अरे प्रजापिता, प्रजापिता अभी तो बोला प्रजापिता घाट घाट का पानी पीने वाला है, पतित में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा पतित तन में आते हैं पावन तन में आते हैं? बाबा आप ही बताइए, हम है हाँ, जो सूर्य वंश का फाउंडेशन पड़ता है, नई दुनिया का जो फाउंडेशन पड़ता है, जिसके लिए अभी 2-4 वर्ष पूर्व अव्यक्तवाणी में बोला है, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है, उस नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, तो वो सौगात नई दुनिया की फाउंडेशन के रूप में दी है या नई दुनिया के रूप में दी है? फाउंडेशन है, फाउंडेशन तो गड्ढे में दीवारें बनाई जाती है, अंदर वो दीवारें गुप्त बनती है या बाहर प्रत्यक्ष बनती है? गुप्त बनती है। पहले ऐसा नहीं होता था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते थे तो चारों तरफ पर्दा लगाए देते हो, और अभी अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं तो क्या करते हैं? चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं। ये भी परंपरा तब से शुरू हुई जब से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकली वो नई दुनिया के संगठन का फाउंडेशन पड़ना शुरू हुआ, तो वो फाउंडेशन गुप्त डाला जा रहा है या प्रत्यक्ष डाला जा रहा है? है गुप्त डाला जा रहा है, किसी को पता नहीं है उस पर्दे के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा पुरुषार्थ हो रहा है,
तो जो फाउंडेशन डाला जा रहा है नई दुनिया का, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और प्रवृत्ति मार्ग की प्योरिटी होनी चाहिए या निवृत्ति मार्ग की होनी चाहिए? प्रवृत्ति मार्ग की प्योरिटी होनी चाहिए। वो प्रवृत्ति मार्ग की प्योरिटी डालने के लिए सारी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही शहर चुना गया है जो पाताल में कभी नहीं जाता, गड्ढे में नहीं जाता, नहीं। हिरण्याक्ष जब सारी पृथ्वी को गड्ढे में ले जा रहा था, पाताल में लेकर के जा रहा था, तो काशी नगरी पृथ्वी से छटक के ऊपर चली गई। प्यास लगी है? नहीं, आप पी, बहुत देर से पानी नहीं पिया आपने? नहीं, अच्छा, आप हम तो पिए लेंगे, जब ये लोग बोलना शुरू करेंगे तो हम पी लेंगे। तो काशी नगरी छिटक के अलग चली गई। उस काशी नगरी के ये लिए गायन है भारत में कि काशी में मरेंगे तो कहाँ जावेंगे? स्वर्ग में जावेंगे। ये शरीर से मरने की बात है या जीते जी देह अभिमान से मोह से मरने की बात है? ये मोह से मरने की बात है। जो जीते जी देह से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा हो जाते हैं या होने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं, पक्का कर लेते हैं कि हमें तो अब नष्ट मोहा बन नहीं है, वो जैसे कि पुरानी दुनिया से मर गए, अपनी देह से मर गए, माने इसे देह के लिए चाहे खिचड़ी मिले या खाने के लिए जो भी मिले, हमें तो पुरुषार्थ करना है। कपड़ा अच्छा मिले न मिले तो भी बाहर की दुनिया वालों से हमारा कोई कनेक्शन अब रहने वाला नहीं है, हमें उनसे फोनबाजी भी नहीं करनी है, मिलना जुलना भी नहीं है। और जो भी देह का पुरुषार्थ करना है वो नई दुनिया के लिए करना है या पुरानी दुनिया के भांतियों के फायदे के लिए करना है? नई दुनिया के लिए करना है। तो देह से भी नष्ट मोहा, देह के संबंधियों से भी नष्ट मोहा, देह के पदार्थों से भी नष्ट मोहा, ऐसी आत्माएं जो देह अभिमान से मर जाती है वो काशी में मरा हुआ संगठन बनाती है। उनसे नई दुनिया तैयार होती है। वो नई दुनिया पवित्रता का फाउंडेशन वाली दुनिया है या उसमें अपवित्रता भी है? है, पवित्रता का संकल्प है, पवित्रता की भावना है। आज के काशी की सुना देगा, सारी कथा कहानियां खत्म हो गई, सारी रामायण खत्म हो गई। रावण सीता का बाप कौन था? रावण। तो काशी नगरी का जो संगठन है वो संगठन रूपी दुनिया गड्ढे में नहीं जाती है, बाकी सारी दुनिया को हिरण्याक्ष कहाँ ले जाता है? पाताल लोक में ले जाता है। तो उसे काशी नगरी का गायन है, शंकर की प्यारी नगरी कौन है? काशी नगरी। दिल्ली नहीं बताई, माउंट आबू नहीं बताया,
हाँ अहमदाबाद नहीं बताया, क्या बताया? काशी नगरी। वो कोई जड़ काशी नगरी की बात नहीं है, कोई रुद्रमाला में चैतन्य आत्मा है जो चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बीज है जगदम्बा, है कि नहीं है? और चंद्रवंशियों का बीज कौन है? जगदम्बा। सूर्यवंशियों का बीज है बाप जैन सूर्य। उन सूर्यवंशियों में जब जगदम्बा चली जाती है, गुप्त हो जाती है, तो ब्राह्मण परिवार को पालने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? माता के रूप में चाहिए, तो वो काशी नगरी निमित्त बनती है, जिसे सूर्यवंशियों की माँ कहा जाता है। वो ही अनुसुईया है जो वैष्णु जैसी पार्ट बजाने वाली मूर्ति को भी बच्चा बना के पालना करने वाली है। इसलिए अव्यक्तवाणी में 20 बार बोला है तुम्हारी परदादी है। ईस्टर्न जोन वाले से ज्यादा जानते होंगे परदादी किसे बोला है, कौन है परदादी? अरे बेसिक में ब्राह्मणों की दुनिया में परदादी किसको कहा है, है? अरे ईस्टर्न जोन का हेड ऑफिस कहाँ है? वहां का हेड कौन है? 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 अरे बेसिक में कौन है, पहले बेसिक में तो बताओ। निर्मल शांता, शांत स्वभाव की, और शांत स्वभाव में भी निर्मल शांत है, मैल माटी नहीं भरा हुआ है। उसका दूसरा नाम दिया है योगिनी, क्या? योग बल वाली। काशी का अर्थ क्या होता है, हैं? तेज। काश्य, काश्य माने याद का तेज। तो वो अनुसुईया का पार्ट बजाने वाली है जो विष्णु देवी शक्ति को, वैष्णो देवी जैसी मूर्ति को भी बच्चा बना के पालना करती है। आपने एक वाक्य अव्यक्तवाणी में सुना होगा कि तुम बच्चों ने अर्थात अष्टदेवों ने इन दीदी दादियों की भी पालना की है, श्रृंगार किया है यज्ञ के आदि में। तो श्रृंगार लेने वाली कौन हुई? दीदी दादी दादियां। और श्रृंगार करने वाली कौन हुई? अष्टदेव की आत्माएं। उन अष्टदेवों में पहला नंबर तो हो गया हीरा, हीरो पाटधारी, काशीनाथ कहो। फिर काशी कौन हुई? काशी नगरी भी तो काश्य रूपी तेज को धारण करने वाली होनी चाहिए ना, इसलिए उसका नाम योगिनी दिया है। तो ऐसे नहीं है कि अनुसुईया का पार्ट हुआ ही नहीं, अनुसुईया का पार्ट भी है और अत्रि ऋषि का भी पार्ट है। क्या? त्रि, त्रि माने है तीन, और अत्रि जो तीन नहीं है। तीन क्या है? मूर्तियां। तीन क्या है? मूर्तियां।
लेकिन वो तीन मूर्तियों में से नहीं है। वो कौन है? 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 नहीं मालूम। मेरा नाम सदैव शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं। मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं सदैव क्या हूँ? अमूर्त हूँ। वो यात्री है, उसकी पत्नी का नाम है अनुसुईया। और महारानी कौन? चंद्रवंश का महाराजा कौन है? अगर महाराजा मालूम है तो महारानी भी मालूम पड़ जाएगी। कौन है? 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 कृष्ण दादा लेखराज। राम नहीं? यज्ञ के आदि में राम फेल नहीं हुआ तो चंद्रवंशी हुआ या क्या हुआ? है चंद्रवंशी हुआ तो राम हुआ उस समय चंद्रवंशी, तो उसके साथ कोई फेल होने वाली भी हुई होगी। है जगदम्बा, ये जगदम्बा है, वही चंद्रवंशियों की बीज है। और क्या हुआ? कौन सी काशी? उत्तर काशी। उत्तर काशी का मतलब है उत्तरी दिशा में, जिसने काशी रूपी तेज को धारण किया, माने उसका बचपन भी होता है और फिर बड़े होने के बाद एडवांस में बड़े रूप से भी पुरुषार्थ करती है। उत्तर दिशा ज्यादा पवित्र मानी जाती है या दक्षिण दिशा ज्यादा पवित्र मानी जाती है? दक्षिण दिशा में इस्लामी धर्म खंड है, इसलिए वो उतना पवित्र नहीं माना जाता। ये दक्षिणा दक्षिण हाथ है और ये राइटियस माना जाता है। तो उत्तर काशी का मतलब ये हुआ कि बचपन में रह करके जो काशी ने पुरुषार्थ किया था वो उत्तर काशी का पुरुषार्थ है। बचपन में ज्यादा प्योरिटी होती है, ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, सहज पुरुषार्थ होता है या बड़ा होने के बाद सहज पुरुषार्थ होता है? बचपन में सहज पुरुषार्थ होता है। वो ऊंची स्टेज की काशी है और वो बार बार नीची स्टेज, बार बार पुरुषार्थ करके ऊंचा बनाया जाता है। और बाबा जो सत्य है उसका ही सत्य वचन है, बाकी सारी दुनिया झूठ है तो उसका वचन भी झूठ है। तो जो भक्ति मार्ग में परंपरा चल पड़ी है सत्य वचन महाराज, वो कहाँ की परंपरा है वास्तव में असली? है संगम युग में सत्य वचन कहने वाला कोई परमपिता परमात्मा का पार्ट हुआ है कि जो भी बोले सो सत्य, जो भी करे सो सत्य, जो भी संकल्प करे वो सत्य। इसलिए उसे सुनने वाले समझने वाले कहते हैं सत्य वचन महाराज। बाबा हाँ क्या पद है? है
है उद और धव, उत माने ऊपर और धव माने भागना। जो ऊपर की ओर भागता है उसका नाम है उद्धव। जो राम वाली आत्मा का पार्ट है वो किसको याद करता है? है सेवक कहाँ रहता है? वास्तव में सेवक कहाँ का वासी है? परमधाम वासी। तो वो उसकी बुद्धि कहाँ रहती होगी? तो वो हुआ उद्धव। किसका मित्र है? कृष्ण का मित्र। कृष्ण वाली आत्मा उसके साथ अभी भी रहती होगी कि नहीं रहती होगी? रहती है। तो कृष्ण और उद्धव दोनों साथ ही है। एक है निराकार उपासी और एक है साकार उपासी।